जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो काहे ज्ञान देते हो, काहे ज्ञान बांट रहे हो। अरे भाई, पहले किसी चीज़ के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो उसके बारे में जान लो, उसके बारे में कुछ पढ़ लो, उसके बाद किसी को ज्ञान दो। कुछ जानकारी नहीं है, बस ज्ञान देते रहते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ केशव कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी बजाज तक 99। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरा वीडियो जल्दी से देख पाएँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी टॉपिक में वीडियो बना के दूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा इंस्टा आईडी है बजाज तक 99, आप मुझे मैसेज करिए। फ्रेंड्स, मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, प्लस उस टॉपिक में वीडियो भी बना के दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं देख रहा था कुछ दिन से कुछ ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। अरे भाई, जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो फिर क्यों ज्ञान बांट रहे हो? देखिए, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है तो आप क्यों किसी को परेशान करना, किसी को मैसेज करना या कमेंट करना, ठीक है? मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेंड्स, जिसको नॉलेज नहीं है, बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है लेकिन ज्ञान बांटने चलते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, कहीं से आप पढ़िए, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है आप उसके पहले उसके बारे में पढ़िए, उसके बाद आप किसी को बताइए, ना कि आपको कुछ मालूम नहीं है बस उल्टा सीधा मतलब कमेंट करने लगे हो। तो ये कमेंट मत करो फालतू। और एक भाई अभी कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था, कह रहे यार आप गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, आप जो बता रहे हो गलत बता रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं सोचा कि ये कौन है यार, इसको मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो नॉलेज नहीं है लेकिन दूसरे को ज्ञान मतलब दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो मुझे ये बोल रहा था कि आप जो बताए हो गलत बताए हो, और वो जो फ्लैशर हो, जो आपका जो रेक्टिफायर होता है ना अंदर का, तो रेक्टिफायर जो है, जैसे बाइक का हम रेक्टिफायर बोलते हैं, इसका रेगुलेटर बोलते हैं, सेम ही है वो। तो बोलते हैं कि उसका काम है वो 12 वोल्ट AC को 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। आप गलत बता रहे हो, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उसको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एक मैं वीडियो बनाया था तो उसमें ये बोल रहे थे कि जो आपको रेगुलेटर दिख रहा है 12 वोल्ट का, इसका काम है जो AC करंट है उसको DC में कन्वर्ट करना। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको कौन बताया, आपको कहाँ से पता चला, आप ज़रूर मुझे मतलब पूरा फुल डिटेल में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहाँ से पता चला। तो आज मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इनको कुछ मतलब जानने का कोशिश रहता है, वो जानना चाहते हैं कि क्या है क्या है, तो वो वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। तो अगर आप ऐसा कमेंट करेंगे ना, तो जो नए लोग हैं जिनको ज़्यादा मतलब मालूम नहीं है, तो वो भी मतलब वो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो वीडियो सही है या कमेंट वाला जो सही है। तो ऐसा कमेंट मत करिएगा। तो आज मैं आपको वही प्रूफ दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका काम है 12 वोल्ट, जैसे आपकी जो इंजन है वो जनरेट करती है जो पावर, ठीक है, जो पावर जनरेट करती है उसको कंट्रोल करता है। अगर इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, ठीक है, अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो आपकी जो बल्ब है ये सब फ्यूज़ हो जाएगी, तो वो कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो चेंज करता है। और उसके लिए मैं आपको प्रूफ में ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जो फ्लैशर है मेरे पास, ठीक है, ये देखिए AC फ्लैशर, 12 वोल्ट का AC फ्लैशर है ये। और अगर इसमें अगर DC में अगर वो चेंज करता ना फ्रेंड्स, तो इसमें भी DC का जो फ्लैशर होता। और मैं आपको हॉर्न भी दिखा देता हूँ, इसके जो हॉर्न होते हैं ये देखिए, ट्वेल्व वोल्ट AC। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कनेक्शन होते हैं वो टोटली जो है AC करंट होते हैं, इसमें DC का कोई काम नहीं है। अगर आप बैटरी इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको ये सब चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ फालतू कमेंट मत करिए, ठीक है। और आपको अगर नॉलेज है तभी आप उसके बारे में अगर किसी को बताएंगे तो अच्छा होगा, और बिना नॉलेज के आप अगर किसी को ज्ञान देते हैं ना फ्रेंड्स, तो गलत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।